हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट विद राहुल में आपका स्वागत है। आज मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ऑफ चेंज ओवर फ्रॉम इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक गवर्नर टू हाइड्रोलिक गवर्नर एंड वाइस वर्सा फॉर केडब्ल्यू टर्बाइन। मीन्स इस वीडियो में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि किस प्रकार से मशीन अगर आपका एचजी में चल रहा है और आपको एचजी में लाना है, और अगर मशीन आपका एचजी में चल रहा है मीन्स हाइड्रोलिक गवर्नर में चल रहा है, तो किस प्रकार से मशीन को हम लोग इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक गवर्नर में लाना है, तो डिटेल से हम लोग इसका पढ़ेंगे। और एज ए ऑपरेशन इंजीनियर आपके लिए वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव रहने वाला है, क्योंकि एज ए डेस्क इंजीनियर आपको कभी कभी मशीन को चेंज ओवर करना पड़ता है। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि आपका दो हाइड्रोलिक कंट्रोलर होता है, आपका टर्बाइन कंट्रोलर दो होता है, एक आपका इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक कंट्रोलर होता है, एक आपका हाइड्रोलिक गवर्नर कंट्रोलर होता है। जनरली नॉर्मल कंडीशन में आपका मशीन इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक गवर्नर मोड में चलता है। मान लीजिए कि उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ गया, कोई सीएनआई फॉल्ट आ गया या कोई मैकेनिकल फॉल्ट आ गया, तो मशीन को आपको चेंज ओवर करके हाइड्रोलिक गवर्नर में लाना होता है। तो किस प्रकार से हम लोग कौन कौन सा स्टेप फॉलो करेंगे ताकि मशीन को आपको एचजी में से एचजी में स्मूथली ट्रांसफर हो जाए, और मशीन को फिर एचजी से आपको इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक गवर्नर में किस प्रकार से चेंज करें, तो इसका डिटेल हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो ध्यान से इस वीडियो को देखें, आपके लिए काफी फायदेमंद रहने वाला है। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक कंट्रोलर एंड हाइड्रोलिक कंट्रोलर आर टू रिडंडेंट कंट्रोलर। Either of the two controller can take control of the turbine generator. Means आपका turbine governing में आपका दो provision दिया हुआ है, एक आपका electro hydraulic governor होता है और एक आपका hydraulic governor होता है। ठीक है, electro hydraulic governor में आपका क्या रहता है, EH electro hydraulic converter होता है, ठीक है, जिसमें आपका plunger coil वगैरह रहता है। और हाइड्रोलिक गवर्नर का जो पार्ट होता है, देखिए स्टार्टिंग डिवाइस तो दोनों का पार्ट है, स्टार्टिंग डिवाइस होता है आपका स्पीडर गियर मेन होता है, हाइड्रोलिक गवर्नर का पार्ट स्पीडर गियर, ठीक है, और हाइड्रोलिक एम्पलीफायर। ठीक है, तो हाइड्रोलिक एम्पलीफायर एंड इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक कंट्रोलर ये आपका पैरेलल ऑपरेशन में रहता है, और इस दोनों के बीच में आपका एक मैनुअल आइसोलेटिंग वाल्व लगा होता है। ठीक है, तो जनरली आपका क्या रहता है कि टरबाइन जो होता है इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक गवर्निंग में चलता है और हाइड्रोलिक गवर्नर को उसको ट्रैक करता रहता है, आपका ट्रैकिंग डिवाइस ऑन रहता है। तो जितना भी इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक कंट्रोलर का जो भी आउटपुट रहेगा उससे आपका 10-15% ज्यादा, 10-15% आपका ज्यादा स्टार्टिंग डिवाइस ट्रैक करता रहता है, और स्पीडर गियर को हम लोग 100% पे फिक्स कर देते हैं। इसको 100% पे इसलिए फिक्स करते हैं कि ताकि आपका मशीन जो है वह इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक गवर्नर में चलता रहे और हाइड्रोलिक गवर्नर उसको ट्रैक करता रहे। तो इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक गवर्नर का बहुत एडवांटेजेस है। मैंने एक इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक गवर्नर और हाइड्रोलिक गवर्नर में क्या बेसिक डिफरेंस है, दोनों का क्या एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस है, मैंने एक वीडियो बनाया है। जो भी फ्रेंड्स उस वीडियो को नहीं देखे हैं, हमारे प्लेलिस्ट टरबाइन गवर्निंग सिस्टम पे जाइए, वहां पे आपको डिटेल टरबाइन गवर्निंग का वीडियो मिलेगा, आप उसको देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक गवर्नर में आपका तीन लूप होता है, एक आपका स्पीड कंट्रोल लूप होता है, एक आपका लोड कंट्रोल, एक प्रेशर कंट्रोल होता है, और हाइड्रोलिक गवर्नर में सिर्फ आपका स्पीड कंट्रोल लूप होता है। इसलिए हम लोग इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक गवर्नर में मशीन को चलाते हैं। अगर आपका इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक गवर्नर में कुछ प्रॉब्लम अगर आ गया तो आपको मशीन को हाइड्रोलिक गवर्नर में लाना होता है। हाइड्रोलिक गवर्नर में कैसे स्विच ओवर करें, क्या क्या स्टेप को फॉलो करना है कि ताकि आपका एचजी से एचजी में मशीन स्मूथली जो है ट्रांसफर हो जाए, तो उसको हम लोग देखते हैं। देखिए दोनों में क्या होता है, इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक गवर्नर एंड हाइड्रोलिक गवर्नर जो होता है, एक आपका मिनिमम हाइड्रोलिक गेट रहता है, मिनिमम हाइड्रोलिक गेट के थ्रू ही कनेक्टेड रहता है,
जिसका भी हाइड्रोलिक प्रेशर जितना कम होगा, एक आपका मिनिमम लॉजिक रहता है, वही आपका आगे इफेक्टिव रहता है। ठीक है, तो जब आपका मशीन इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक गवर्नर में रहता है तो हाइड्रोलिक गवर्नर का आउटपुट हम लोग मैक्सिमम रखते हैं, जिसमें आपको बताया था कि 10 से 15% ज्यादा रखते हैं, ताकि इसका जो हाइड्रोलिक प्रेशर हो, जिसका जो सेकेंडरी ऑयल अल्टीमेट दोनों का आउटपुट क्या निकलता है, सेकेंडरी ऑयल प्रेशर निकलता है। इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक कन्वर्टर का भी आउटपुट क्या निकलता है, सेकेंडरी ऑयल प्रेशर, और हाइड्रोलिक एम्पलीफायर का भी आपका सेकेंडरी ऑयल ही आउटपुट निकलता है। और ये दोनों क्या होता है, पैरेलली कनेक्टेड रहता है, बीच में आपका एक आइसोलेटिंग वाल्व रहता है जो कि हमेशा ओपन कंडीशन में रखना चाहिए। ठीक है, आपका जो है आपका सेकेंडरी ऑयल जो होता है, एक एचपी सेकेंडरी ऑयल होता है, एक आपका आईपी सेकेंडरी ऑयल होता है। तो देखिएगा कि इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक कन्वर्टर से आपका 2 आईपी का सेकेंडरी ऑयल का लाइन होता है और 2 आपका एचपी का सेकेंडरी ऑयल का लाइन होता है, टोटल 4 लाइन आप देखिएगा। और हाइड्रोलिक एम्पलीफायर में भी 2 आपका एचपी सेकेंडरी ऑयल का लाइन होता है और 2 आपका आईपी सेकेंडरी ऑयल का लाइन होता है। तो दोनों देखिए, एचपी सेकेंडरी ऑयल का इसका 2 लाइन इसका, और हाइड्रोलिक एम्पलीफायर का एचपी सेकेंडरी ऑयल का 2 लाइन, दोनों एक कॉमन कनेक्टेड रहता है, बीच में एक आइसोलेटिंग वाल्व है जो कि ओपन कंडीशन में रहना चाहिए। और आईपी सेकेंडरी ऑयल का भी 2 लाइन होता है और यहां से भी आईपी सेकेंडरी ऑयल का 2 लाइन होता है, ये दोनों आपस में फिक्स कनेक्टेड रहता है और बीच में एक आइसोलेटिंग वाल्व रहता है जो कि ऑलवेज ओपन कंडीशन में होना चाहिए। ठीक है, और इससे क्या होता है, दोनों में मिनिमम हाइड्रोलिक मिनिमम गेट रहता है। देखिए हाइड्रोलिक मिनिमम गेट का क्यों प्रोविजन, क्या उसका इंपॉर्टेंस है, थोड़ा इसको देखते हैं। देखिए हाइड्रोलिक मिनिमम गेट का लॉजिक ये है कि जिसका सेकेंडरी ऑयल प्रेशर जितना कम होगा वही आगे इफेक्टिव होता है, इसलिए हम लोग ईएचजी का आउटपुट कम रखते हैं और एचजी का आउटपुट हम लोग ज्यादा बढ़ा के रखते हैं। इसका जितना भी आउटपुट होगा उसका 10 से 15% हम लोग ज्यादा रखते हैं स्टार्टिंग डिवाइस का आउटपुट, ताकि इसका हाइड्रोलिक प्रेशर ज्यादा रहे, तो आपका इफेक्टिव हमेशा ये रहना चाहिए, क्योंकि इसका प्रेशर आपका कम है, इसका प्रेशर ज्यादा रहता है। तो मिनिमम हाइड्रोलिक मिनिमम गेट लगाने से क्या होता है कि जिसका भी सेकेंडरी ऑयल प्रेशर कम होगा वही आगे इफेक्टिव आएगा और लोड कंट्रोल को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो यहां से इसका आउटपुट कम रहता है, इसका आउटपुट ज्यादा रहता है, इसलिए आपका इफेक्टिव जो है वो आपका ये रहता है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि आपका मशीन को ईएचजी से एचजी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्या क्या स्टेप फॉलो करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, द आउटपुट ऑफ इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक कंट्रोलर एंड हाइड्रोलिक कंट्रोलर आर लिंक्ड वाया ए हाइड्रोलिक मिनिमम गेट। इन नॉर्मल ऑपरेशन द इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक गवर्नर कंट्रोल द टर्बाइन। नॉर्मल कंडीशन में आपका ईएचजी सर्विस में रहता है एंड द हाइड्रोलिक कंट्रोलर ऑन स्टैंड बाय रेडी टू अज्यूम कंट्रोल कब, इन द इवेंट ऑफ फेल्योर ऑफ इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक कंट्रोलर। मीन्स आपका हाइड्रोलिक कंट्रोलर उसको ट्रैक करता रहता है, किसको, इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक कंट्रोलर के आउटपुट को। एंड इन द इवेंट ऑफ फेल्योर ऑफ इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक कंट्रोलर, हाइड्रोलिक कंट्रोलर अज्यूम द कंट्रोल ऑफ द टर्बाइन जनरेटर। मशीन चेंज ओवर प्रोसीजर फ्रॉम इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक गवर्नर टू हाइड्रोलिक गवर्नर फॉर KW टर्बाइन। इसमें हम लोग प्रोसीजर देखते हैं कि मशीन को ईएचजी से एचजी में हम लोग कैसे चेंज करते हैं। पहले देखिए पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट देखिए, मशीन या आपका यूनिट इज टू बी टेकन आउट फ्रॉम सीएमसी मोड। मशीन आपका सीएमसी मोड में चल रहा है तो सबसे पहला स्टेप आपको लेना है कि सीएमसी को ऑफ कर देना है। मशीन को इज टू बी टेकन आउट फ्रॉम सीएमसी मोड, सीएमसी मोड से मशीन को आउट करना है। सीएमसी मोड से हम लोग बाहर कैसे करेंगे, तो आपका ईएसटीसी पेज पे जाइए, वहां पे आपका एक सीएमसी बटन रहता है, टैग रहता है, उस टैग को आपको ऑफ कर देना है। जैसे ऑफ कीजिएगा मशीन आपका सीएमसी मोड से बाहर आ जाता है। ठीक है, सेकेंड आपको करना है कि मशीन इज टू बी रन इन लोड कंट्रोल मोड। मशीन को लोड कंट्रोल मोड में लाइए, पर सेफ कंडीशन होता है। अगर आपका मशीन लोड कंट्रोल में है तो इट इज वेरी इजी टू चेंज ओवर फ्रॉम द ईएचजी टू एचजी। क्यों ऐसा, क्योंकि अल्टीमेट
देखिए ये जी आपका तीन कंट्रोल लूप मोड है, एक आपका स्पीड कंट्रोल है, एक आपका लोड कंट्रोल मोड है, एक आपका प्रेशर कंट्रोल मोड है। तो जनरली आपका मशीन जो है वो लोड कंट्रोल मोड में चलता है। लोड कंट्रोल मोड में हम लोग क्यों चलाते हैं, क्योंकि अल्टीमेट आपका आउटपुट क्या मैटर है, लोड मैटर करता है, वो आपका प्रेशर क्या है नहीं देखना है, आपको लोड किस प्रकार से मेंटेन रखना है, क्योंकि आपका अल्टीमेट कॉमर्शियल जो सीओडी आपका जो आउटपुट है जिससे आपका पावर प्लांट को पैसा मिलता है वो आपका अल्टीमेट लोड होता है। इसलिए हम लोग लोड कंट्रोल मोड में चलाते हैं। जैसे आपका जो है सीएलडी जो सेंट्रल लोड डिस्पैच सेंटर जो है आपका, आपको लोड देगा कि आपको इतना लोड मेंटेन करना है, वो आपको प्रेशर मेंटेन करने के लिए नहीं बोलेगा, क्योंकि लोड कंट्रोल मोड में आपका लोड मेंटेन होता है। प्रेशर कंट्रोल मोड में आपका जो सेट पॉइंट दीजिएगा वो प्रेशर, वो लोड को नहीं देखेगा, वो प्रेशर को सिर्फ देखता है। तो हमको तो प्रेशर से पैसा तो मिलना नहीं है। तो अल्टीमेट आप मशीन को हम लोग लोड कंट्रोल मोड में चलाते हैं, और लोड कंट्रोल मोड में जब आपका मशीन रहता है तो ईएचजी से एचजी में आपका दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो मशीन इज टू बी रन इन लोड कंट्रोल मोड। थर्ड आपको करना है क्या कि प्रेशर कंट्रोल आउटपुट, जो प्रेशर कंट्रोल का जो आउटपुट है, हैज टू बी मैक्सिमाइज टू 120%। प्रेशर कंट्रोल मोड का जो आउटपुट है उसको मैक्सिमाइज कर दीजिए, मींस मैक्सिमाइज मतलब 120% पे आप लेके चले जाइए। तो 120% पे आप कैसे लेके जा सकते हैं, तो आप देखिएगा कि बाय रिड्यूसिंग प्रेशर रेफरेंस सेट पॉइंट, प्रेशर रेफरेंस सेट पॉइंट है उसको आपको रिड्यूस करना है, कैसे, लेस देन द एक्चुअल प्रेशर वैल्यू। वहां पे आपका एक्चुअल प्रेशर दिखेगा, एमएस प्रेशर एक्चुअल और एक प्रेशर रेफरेंस पॉइंट। तो प्रेशर रेफरेंस पॉइंट जो होता है, जितना आपका एक्चुअल प्रेशर है उससे अगर कम जैसे कीजिएगा, उससे जैसे लेस कीजिएगा रेफरेंस पॉइंट को, तो आपका प्रेशर कंट्रोल का आउटपुट जो होता है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, और मैक्सिमम 120%। जैसे ही आपका प्रेशर रेफरेंस सेट पॉइंट और एक्चुअल प्रेशर वैल्यू मैच किया, दोनों का वैल्यू अगर इक्वल हुआ, तो आपका प्रेशर कंट्रोल आउटपुट जो है वो 120% चला जाएगा, ठीक है। तो उसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं। क्यों करते हैं मैक्सिमाइज, ताकि क्या होता है, टू अवॉइड द ऑटो चेंज ओवर फ्रॉम लोड कंट्रोल मोड टू प्रेशर कंट्रोल मोड, ताकि आपका मशीन जो है वो लोड कंट्रोल मोड से चेंज ओवर नहीं हो जाए प्रेशर कंट्रोल मोड में। क्योंकि यहां पे देखिएगा कि आपका लोड कंट्रोल मोड और प्रेशर कंट्रोल मोड में एक आपका हाइड्रोलिक मिनिमम रहता है, मतलब जो मिनिमम रहेगा वही आगे जाता है। तो लोड कंट्रोल मोड को मिनिमम रखते हैं, प्रेशर कंट्रोल मोड को मैक्सिमम रखते हैं, ताकि आपका जो प्लंजर कॉइल में जो आउटपुट जाए वो लोड कंट्रोल का ही आउटपुट जाना चाहिए, जो इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक कन्वर्टर में जो सिग्नल जाए वो लोड कंट्रोल मोड का जाए, ताकि आपका प्रेशर कंट्रोल मोड मैक्सिमम रहे, तो जो दोनों में मिनिमम रहेगा वही इफेक्टिव रहता है। इसलिए हम लोग प्रेशर कंट्रोल का जो आउटपुट होता है वह 120% मैक्सिमाइज कर देते हैं। तो कैसे मैक्सिमाइज करते हैं, समझ गए, तो सिंपल फंडा है, अगर आप लोड रेफरेंस पॉइंट को इंक्रीज कीजिएगा, ठीक है, तो लोड कंट्रोल का आउटपुट इंक्रीज करेगा, ठीक है। और प्रेशर कंट्रोल मोड में प्रेशर रेफरेंस पॉइंट को अगर आप डिक्रीज कीजिएगा तो प्रेशर कंट्रोल मोड का आउटपुट इंक्रीज करेगा। आपका लोड कंट्रोल से रिवर्स है, प्रेशर रेफरेंस पॉइंट को आप डिक्रीज कीजिएगा, प्रेशर कंट्रोल मोड का आउटपुट इंक्रीज करता है, लोड रेफरेंस पॉइंट को आप इंक्रीज कीजिएगा तब जाके आपका लोड कंट्रोल का आउटपुट इंक्रीज करता है। देखिए उसके बाद क्या करना है आपको, टेक द पॉप अप ऑफ एचपी सेकेंडरी ऑयल प्रेशर ओनली। अब आपको क्या करना है कि एचपी सेकेंडरी ऑयल का जो प्रेशर होता है उसका आपको पॉपअप निकालना है, क्योंकि आप उसको ऑब्जर्व करना, क्योंकि कुछ जैसे ही चेंज ओवर होगा तो इसका इफेक्ट आपको एचपी सेकेंडरी ऑयल प्रेशर में आता है, तो उसको आपको ऑब्जर्वेशन में रखना है। तो उसका पॉपअप निकाल दीजिए। उसका थोड़ा इंपॉर्टेंट स्टेज है कि स्विच ऑफ द ट्रैकिंग डिवाइस। जो ट्रैकिंग डिवाइस होता है उसको आपको स्विच ऑफ कर लेना है। क्यों स्विच ऑफ करते हैं ट्रैकिंग डिवाइस को, क्योंकि ट्रैकिंग डिवाइस जो होता है उसका मेन काम होता है कि आपका जो इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक कंट्रोलर का जो भी आउटपुट रहेगा उससे 10-15% आपका स्टार्टिंग डिवाइस के आउटपुट को इंक्रीज रखता है। मींस स्टार्टिंग डिवाइस ट्रैक द
आउटपुट ऑफ इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक कन्वर्टर। मीन्स आप यू समझे कि एचजी गवर्नर जो होता है आपका हाइड्रोलिक कंट्रोलर ट्रैक द इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक कंट्रोलर। अगर आप ट्रैकिंग डिवाइस को ऑन करते हैं, आप ट्रैकिंग डिवाइस को ऑफ नहीं कीजिएगा तब तक आप स्टार्टिंग डिवाइस को डिक्रीज कमांड दे ही नहीं सकते हैं। आप डिक्रीज दीजिएगा, डिक्रीज होगा ही नहीं, क्योंकि वो सिर्फ देखेगा किसको, इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक कंट्रोलर के आउटपुट को। तो इसलिए जैसे आपको उसको स्विच ऑफ कर लेना, स्विच ऑफ कीजिएगा तब भी आप स्टार्टिंग डिवाइस को डिक्रीज कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको अगर स्विच ऑफ नहीं कीजिएगा ट्रैकिंग डिवाइस को, तो आपको घटाने के लिए देगा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है इंश्योर द स्पीडर गियर पोजीशन एट 100%। स्पीडर गियर का पोजीशन 100% पे है कि नहीं उसको आपको इंश्योर कर लेना। ठीक है, एंड डिक्रीज द स्टार्टिंग डिवाइस पोजीशन स्लोली। अब आपको क्या करना है कि स्टार्टिंग डिवाइस के पोजीशन को स्लोली स्लोली आपको डिक्रीज करना है। डिक्रीज स्लोली क्यों करते हैं, ताकि आपको कंट्रोल वाल्व का पोजीशन को भी ऑब्जर्व करना है और एचपी सेकेंडरी ऑयल के प्रेशर को भी देखना है। अगर फास्ट कीजिएगा तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा फ्लक्चुएशन क्या होता है, पता नहीं चलता है। तो स्टार्ट डिक्रीज द स्टार्टिंग डिवाइस पोजीशन स्लोली एंड ऑब्जर्व द एचपी सेकेंडरी ऑयल प्रेशर। जैसे जैसे घटाते जाइएगा तो एचपी सेकेंडरी ऑयल प्रेशर को ऑब्जर्व करते रहना। देखिएगा कि एक पोजीशन पे आके आपका एचपी सेकेंडरी ऑयल का प्रेशर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, और उसके करस्पॉन्डिंग जितना आपका कंट्रोल वाल्व का पोजीशन था उससे थोड़ा सा आपका कंट्रोल वाल्व का पोजीशन डिक्रीज होने लगता है। तो वहां पे समझा जाता है कि आपका चेंज ओवर हो गया। अब आपका मशीन जो होता है इस कंट्रोल बाय द स्टार्टिंग डिवाइस, शुरू में जब स्टार्टिंग डिवाइस का आउटपुट ज्यादा था तो आप उसको डिक्रीज कर रहे थे, तो उसमें कंट्रोल वाल्व के पोजीशन आपका कोई भी चेंज नहीं आ रहा होगा ना, और एचपी सेकेंडरी वाल्व का प्रेशर भी आपका डिक्रीज नहीं हो रहा होगा। लेकिन एक कंडीशन एक पोजीशन आने के बाद क्या होता है कि जैसे स्टार्टिंग डिवाइस का पोजीशन आप डिक्रीज करते हैं तो कंट्रोल वाल्व आपका क्लोज होना शुरू हो जाता है, लोड आपका डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, एचपी सेकेंडरी वाल्व प्रेशर आपका डिक्रीज हो जाता है, तो उस पोजीशन पे आपको रुक जाना है। उस पोजीशन पे क्या होता है कि आप पहले जो मशीन आपका एचजी में था, अब आपका मशीन किसमें चेंज हो गया, एचजी में आ गया। अब आपका लोड जो होता है वो कंट्रोल बाय द स्टार्टिंग डिवाइस। अब आपका एचजी से आप इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि लोड रेफरेंस को थोड़ा सा इंक्रीज कीजिए। जैसे अगर आप लोड रेफरेंस को इंक्रीज करते हैं तो लोड का आउटपुट तो इंक्रीज कर रहा है बट आपका लोड नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि मशीन आपका अभी एचजी में है ही नहीं, मशीन आपका अब एचजी में आ चुका है, मींस हाइड्रोलिक गवर्नर में आ चुका है। तो अब आपका मशीन स्टार्टिंग डिवाइस से कंट्रोल होगा, और जैसे ही चेंज ओवर होगा तो पता कहीं चलता है कि द डिक्रीज इन द एचपी सेकेंडरी ऑयल प्रेशर जो होता है वो वेरी लेस इन द रेंज ऑफ 0.05 से 0.06 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे ही आपका एचपी सेकेंडरी ऑयल का प्रेशर डिक्रीज किया तो समझ जाइए कि आपका चेंज ओवर मशीन हो गया है। और देखिए क्या होता है कि अगर आपका जनरली बोला जाता है कि चेंज ओवर जब भी कीजिए, आपका एचजी से एचजी में चेंज ओवर जब भी कीजिए तो हाइयर लोड रेंज में करना है आपका। जैसे मान लिया अगर 500 मेगावाट का अगर प्लांट है तो जनरली 480-490 में चेंज ओवर करने से क्या होता है कि आपका स्मूथ चेंज ओवर होता है, आपको प्रॉब्लम नहीं आता है। मेन क्या होता है कि आपका लो लोड रेंज, जैसे अगर मान लीजिए कि आपका लोड रेंज मान लीजिए कि अगर लेस देन 30-40% ऑफ रेटेड पावर है, मान लीजिए कि 500 केस में आपका मान लीजिए कि 200 या 250 मेगावाट में अगर आप चेंज ओवर कर रहे हैं तो उस समय क्या होता है कि तब आपको स्टार्टिंग डिवाइस से इसको कंट्रोल नहीं करना है, तब आपको स्पीडर गियर के पोजीशन को डिक्रीज करना है। ध्यान रखिएगा हायर लोड रेंज में स्पीडर गियर के पोजीशन को 100% रखना है, और डिक्रीज किसको करना है, स्टार्टिंग डिवाइस को। सॉरी लेकिन जैसे ही मशीन आपका लोअर लोड जोन में है देन यू डिक्रीज द पोजीशन ऑफ स्पीडर गियर रेदर देन स्टार्टिंग डिवाइस पोजीशन।
क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि देखा गया है कि स्टार्टिंग डिवाइस का पोजीशन जैसे 70% से नीचे आता है तो आपका कंट्रोल वाल्व क्लोज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग डिवाइस के 60% में तो आपका आपका कंट्रोल वाल्व खुलना शुरू होता है। तो जैसे 70% जैसे आप क्या करते हैं, लो लोड रेंज में आपका आउटपुट तो कम रहेगा, किसका आउटपुट, आपका ईएसडी का आउटपुट तो कम रहता है। तो जैसे ही आप स्टार्टिंग डिवाइस को उससे कम करते हैं और 70% से जैसे नीचे जाना शुरू होता है स्टार्टिंग डिवाइस, तो आपका जो आपका कंट्रोल वाल्व का पोजीशन है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, ठीक है, और आपका लोड का शार्पली फॉल होता है। कंट्रोल वाल्व जैसे क्लोज होगा तो लोड तो डिक्रीज करेगा और यूनिट जो होता है लो फॉरवर्ड पावर प्रोटेक्शन रिले से यूनिट ट्रिप हो सकता है। तो इसलिए लो लोड जोन में आपको चेंज ओवर जल्दी नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए। अगर आपको ऐसा कंडीशन आ गया कि आपको लो लोड जोन में जैसे लेस देन 30-40% लोड जोन में आपको चेंज ओवर करना है, देन यू शुड डिक्रीज द स्पीडर गियर पोजिशन रेदर देन स्टार्टिंग डिवाइस पोजिशन। वेन द स्टार्टिंग डिवाइस और स्पीडर गियर को हम लोग कब डिक्रीज करेंगे, एट लो लोड कंडीशन में। जब आप स्टार्टिंग डिवाइस को या स्पीडर गियर को आप डिक्रीज कर रहे हैं, इज ग्रेजुअली डिक्रीज्ड द फॉलिंग ट्रेंड ऑफ एचपी सेकेंडरी ऑयल प्रेशर इज ऑब्जर्व्ड अलोंग विथ डिक्रीज इन यूनिट लोड 5-6 मेगावाट लोड आपका डिक्रीज करता है। जब स्टार्टिंग डिवाइस या स्पीडर गियर के पोजीशन को आप ग्रेजुअली डिक्रीज करते हैं तो आपको एक समय के बाद, कुछ समय तक तो आपका एचपी सेकेंडरी ऑयल प्रेशर में या लोड में आपको कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन एक पोजीशन के बाद क्या होता है कि फॉलिंग ट्रेंड ऑफ एचपी सेकेंडरी ऑयल प्रेशर इज ऑब्जर्व अलोंग विद डिक्रीज इन यूनिट लोड। कुछ समय बाद क्या होता है कि एचपी सेकेंडरी ऑयल का प्रेशर आपका डिक्रीज करेगा और उसी टाइम आपका यूनिट लोड जितना था वो 5-6 मेगावाट लोड आपका डिक्रीज हो जाएगा। एंड एट दिस पॉइंट, उस पॉइंट पे इट मे बी कंक्लूडेड दैट द मशीन हैज चेंज्ड ओवर इनटू एसजी मोड, कि आपका मशीन एसजी मोड में आ गया है। ये आपका एक इंडिकेशन देता है। इसको हम लोग फर्दर भी चेक कर सकते हैं। फर्दर चेक करने का क्या है कि आपका लोड कंट्रोल आउटपुट को आप इंक्रीज कीजिए। लोड कंट्रोल मोड में आपका एचजी में आपका लोड कंट्रोल में था, उसके आउटपुट को आप इंक्रीज कीजिए। उसको इंक्रीज आप कैसे करेंगे, तो आप क्या कीजिए कि लोड रेफरेंस पॉइंट को आप इंक्रीज करते हैं। जैसे ही आप लोड रेफरेंस पॉइंट को इंक्रीज कीजिएगा तो लोड कंट्रोल आउटपुट आपका इंक्रीज करता है। लेकिन आप उसमें क्या देखिएगा कि जैसे आप लोड रेफरेंस पॉइंट को इंक्रीज करते हैं तो एचपी सेकेंडरी ऑयल का प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा और लोड में भी कोई चेंज नहीं आएगा। आप उसमें कुछ भी बढ़ाइए तो उसका आपको इफेक्ट ना एचपी सेकेंडरी ऑयल प्रेशर में दिखेगा और ना ही लोड में दिखेगा। तो समझ लीजिए कि आपका मशीन अब एचजी मोड में आ चुका है और लोड इज कंट्रोल्ड बाय द एचजी नॉट आपका एचजी। ये होता है कंक्लूजन पॉइंट कि अब आपका मशीन एचजी मोड में आ गया है, मशीन अब एचजी मोड में नहीं है। जब आपका मशीन एचजी से एचजी मोड में आ गया है उस पर आपका इंपॉर्टेंट स्टेप है कि लोकली आइसोलेट द एसजी एसजी मैनुअल आइसोलेटिंग वाल्व। आपका दो आइसोलेटिंग वाल्व होता है, एक आपका एचपी सेकेंडरी ऑयल का होता है और एक आपका आईपी सेकेंडरी ऑयल का होता है। दोनों को आपको आइसोलेट कर देना है। आइसोलेट करने के बाद आप जनरली हम लोग करते क्या है कि फॉर द सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए कि लोड रेफरेंस पॉइंट को इंक्रीज करते हैं, करके इसको 100% कर देते हैं। किसको, जो आपका एच कन्वर्टर का जो इनपुट है उसको 100% पे फोर्स करते हैं और प्लंजर क्वाइल जो होता है उसको हम लोग ऑफ कर देते हैं सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए कि आपका लोड कंट्रोल के आउटपुट को इंक्रीज करके 100% लेके इसको जो इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक कन्वर्टर का जो इनपुट है उसको 100% पे फोर्स कर दिए और प्लंजर क्वाइल को ऑफ करते हैं। देखिए इस दोनों स्टेप को करने का कोई जरूरत नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरी टू इंक्रीज द इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक कंट्रोलर टू 100% एंड फोर्स दिस वैल्यू एंड ऑफ द प्लंजर क्वाइल।
क्योंकि आप ऑलरेडी इस लाइन को सैचुरेट कर ही दिए हैं, तो अब आपका मशीन ईएसडी में तो आएगा ही नहीं। लेकिन कहीं कहीं हम लोग प्रिकॉशन के तौर पे हम लोग 100% पे फोर्स करके प्लंजर कॉइल को ऑफ करते हैं। तो अब आपका मशीन जो है एचजी मोड में आ गया है और आपको लोड को इंक्रीज और डिक्रीज करना है। तो स्टार्टिंग डिवाइस को इंक्रीज और डिक्रीज करके हम लोग लोड इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। स्टार्टिंग डिवाइस को आप इंक्रीज कीजिएगा, कंट्रोल वाल्व खुलेगा, लोड आपका इंक्रीज करेगा। स्टार्टिंग डिवाइस को आप डिक्रीज कीजिएगा, कंट्रोल वाल्व का जो पोजीशन होता है वो क्लोज होगा और लोड आपका डिक्रीज करता है। तो वहां से आपको लोड इंक्रीज और डिक्रीज करने का मस दो ही प्रोविजन है, आइदर आप प्रेशर को डिक्रीज कीजिए या स्टार्टिंग डिवाइस के पोजीशन को आप चेंज कीजिए, उसी से आपको लोड इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द चेंज ओवर प्रोसीजर ऑफ ईएसजी टू एचजी। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले, और अगर कुछ भी डाउट रहे तो आप कमेंट करें, मैं कमेंट में आपका रिप्लाई दूंगा। थैंक यू।